कैमरे का बटन ऑफ करो। ओके 45 मिनट्स की क्लास है। इस 45 मिनट्स की क्लास में 15 मिनट का लेक्चर, इट डज नॉट काउंट, लेकिन जरूरी है क्योंकि हम उलझे हुए हैं प्रिपरेशन, टाइम लेफ्ट, पेरेंट्स, इन तीनों के बीच। हम उलझे हुए इन तीनों के बीच, हम प्रॉब्लम है इन तीनों के बीच। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। प्रॉब्लम, टाइम बहुत कम है, 35 डेज आर लेफ्ट फॉर आर एग्जाम, ओनली 35 डेज। आज से आप अगर गिनना चालू करेंगे, काउंट करेंगे, तो कितने दिन बचे? 35 डेज। 35 डेज में क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हैं? आपने सोचा है? लेकिन मैं सोचता हूं यस, प्रिपरेशन के साथ रिवीजन भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। 35 डेज में सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। तैयारी करने से क्या होगा? 35 डेज में क्या होगा? मैथ्स करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, सोशल साइंस करना है, हिंदी करना है, इंग्लिश करना है। हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। मैं ये नहीं सोचता बॉस, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि आप महर्षि के स्टूडेंट हो, आप क्राइस्ट चर्च गर्ल्स के स्टूडेंट हो, आप सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के स्टूडेंट हो, आप क्राइस्ट चर्च बॉयज के स्टूडेंट हो। मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, आप सब A1 ग्रेड ला सकते हो, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। दिस इज द राइट टाइम टू क्लिक। अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? अब अगर नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब टाइम नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? अब पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? अब मदर के बारे में नहीं सोचोगे, अब फादर के बारे में सोचोगे तो कब सोचोगे? आफ्टर द टाइम हैज बीन पास तब सोचोगे। दिस इज द टाइम, राइट टाइम, राइट टाइम आ चुका है मेहनत करने का। अभी वक्त है, अभी आपको मेहनत करनी है, अभी करके दिखाना है, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। तो दिखाओ, दिखाओ, समाना बदल के दिखाओ। कमॉन, यू गॉट अ गट्स। आफ्टर 10th हमें मैथ्स लेना है, इधर मैथ्स कॉमर्स और मैथ्स साइंस। लैडर बनाता हूं तुम्हारे सामने, सक्सेस का लैडर। आपने अच्छा रिजल्ट दिया 10th क्लास में, एग्जैक्टली आपने लिया मैथ्स साइंस, आपने लिया मैथ्स कॉमर्स। मैथ्स साइंस वालों ने 11th में अच्छा रिजल्ट दिया, क्लियर किया AIEEE के बाद क्लियर किया IIT के बाद क्लियर किया, 60,000 पर मंथ की सैलरी मिली, 7,20,000 रुपए कमाए तुमने, और तुम ये सब कर सकते हो, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। मैथ्स कॉमर्स ले लिया मैंने, मैथ्स कॉमर्स के बाद मैं क्या करूंगा? सीए की सैलरी 8,00,000 पर एनम है आज की डेट में, 1,00,000 पर एनम, मतलब 65,000 रुपए महीना। कहां खर्च करोगे? सोच सकते हो, सेव करोगे, पेरेंट्स को इतनी सारी खुशियां दोगे, और दे सकते हो कि तुम में कैलिबर है, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। राइट टाइम, अभी वक्त है दोस्त, सोच लो, असाइनमेंट्स रेगुलर करो, घर में खुद से डाउट्स निकालो, रजिस्टर खोलो, डाउट्स की लिस्ट बनाओ। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। मैं बुक खोलता हूं तो भैया कुछ समझ नहीं आता। सॉरी बॉस, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अनपढ़ तो नहीं हो, आपको पढ़ते आता है। एक बार एक पैराग्राफ पढ़ोगे, अपने आप समझ आएगा, और तुम पढ़ के समझ सकते हो, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। चाहता हूं कि मेरे जितने स्टूडेंट्स यहां पे, सब A1 ग्रेड के पूरे भागे, और किसी चीज के लिए नहीं, क्योंकि तुम A1 ग्रेड के लिए यहां आ रहे हो। पराग ट्यूटोरियल्स इज जस्ट फॉर A1 ग्रेड, इट डज नॉट मैटर अबाउट पराग ट्यूटोरियल्स। तुम कोई भी कोचिंग जाते हो जबलपुर की, सिर्फ एक बात याद रखना, यू हैव टू गो फॉर A1 ग्रेड, एंड यू कैन डू इट, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। हम बाइसिकल पे आ रहे हैं, हम बाइसिकल पे आ रहे हैं, दोस्त कार में आ रहा है, हमारा फ्रेंड बड़ी गाड़ी में आ रहा है,
हम अपनी मम्मी को जाके बोलते हैं, मम्मी मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त गाड़ी पे आता है, मैं बाइसिकल पे आता हूँ, मुझे शर्म आती है ये सुनते हो कि मेरे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं। किसी दिन घर जाके अपनी मदर से बोलना, मम्मी मेरा दोस्त गाड़ी में आता है, मैं बाइसिकल में आता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उससे बड़ी गाड़ी लूंगा और आपको दिखाऊंगा। और ये तुम कर सकते हो, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। मम्मी मेरे फ्रेंड के पास बहुत अच्छा मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन ही नहीं है, मैं क्या करूं मम्मी, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। तुम ये बोल के अपने पेरेंट्स को धोखा देते हो। कभी घर जाके ये बोला है, मम्मी यार मेरे फ्रेंड के पास बहुत अच्छा फोन है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आई विल वर्क हार्ड, आई विल अर्न, और मैं उससे अच्छा सेल फोन आपको खरीद के दूंगा। और तुम कर सकते हो, क्योंकि वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। मुझे आज चाहिए मेरा हर एक स्टूडेंट एक ही चीज दिमाग में रख के चले कि SA1 में जो 35 दिन बचे उसकी तैयारी जोरों से करो, एंड यू कैन डू इट बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस आर चैंपियंस। तुम्हारा 9th क्लास में कोई ग्रेड आया हो, तुम्हारा 9th क्लास में कोई रिजल्ट आया हो, इट डज नॉट मैटर फॉर मी, इट मैटर्स फॉर मी। अभी की बात हो रही है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, यू हैव अ गुड ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन इतना शार्प है, फटाफट कैच करते हो। आज तुमसे बोलूंगा ट्रिगर लॉजिक बताओ, तुम बता दोगे। आज तुमसे बोलूंगा कन्वर्टर टाइप बताओ, बता दोगे। तुम सब कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें अपने अंदर का टैलेंट पहचानना है, अंदर तुम्हारे जो टैलेंट है उसको पहचानो, और तुम पहचान सकते हो, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड इंडियंस। तो मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए और खड़ा होकर ये बोले कि यस आई विल डू इट, आई विल गेट A1 ग्रेड इन SA1, मुझे A1 ग्रेड चाहिए SA1 में। और मेरा हर एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोले यस आई विल सिक्योर A1 ग्रेड, भैया आई प्रॉमिस यू मैं A1 ग्रेड लाऊंगा अपने पेरेंट्स।